सोमवार को मार्केट खुलते ही उठा लीजिए माल आंख मूंद कर दोस्तों। जी हाँ, और ये नहीं कहना कि सर आपने बताया नहीं दोस्तों। कौन सा स्टॉक है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ये शेयर आपको बनाएगा 10 करोड़ का घर और 2 करोड़ की कार आपके घर में 100% आने वाले 10 साल में दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी और ये कंपनी के बताने वाले MBA BK सिंह आपको प्रण किए हैं कि आपको करोड़पति बना के छोड़ेंगे। और ये जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये लंबा वीडियो नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो है। और ये वीडियो कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं बना रहा है दोस्तों, ये बना रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का गुरु MBA BK सिंह आपको बता रहे हैं दोस्तों। और ये सभी के लिए, आप लोगों को बहुत दिनों से शिकायत थी कि सर ऐसा स्टॉक बताइए, ऐसा शेयर बताइए कि हमारी जीवन सुधर जाए। तो चलिए, इस नवरात्रि और इस राम राज्य में पहला स्टॉक सोमवार को मार्केट खुलते ही उठा लो माल दबाकर, और ये देगा आपको TCS के जैसा प्रॉफिट, टेक महिंद्रा जैसा प्रॉफिट, कोटक महिंद्रा जैसा प्रॉफिट, आयसर मोटर जैसा प्रॉफिट, टाटा एलक्सी जैसा, इन्फोसिस जैसा, HCL जैसा और विप्रो जैसा स्टॉक प्रॉफिट देने वाला दोस्तों। अब आपको तो समझ ही गए होंगे कि कौन सा शेयर हो सकता है, किस सेक्टर का हो सकता है, इतना तो आपने जरूर अपने माइंड में फिट कर लो। IT सेक्टर का आप सही पकड़े दोस्तों, IT सेक्टर का स्टॉक। और साइबर, जो मैं बार बार बोलता था कि 3 से 5 साल में जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, एक स्टॉक हम सभी को दे दिए दोस्तों, मेंबर को अभी 3 से 5 शेयर जो देने वाले हैं, एक शेयर आपको भी दिए और ये सभी जनता को भी दे दिया हमने। उठा लो माल दबाकर आंख मूंद कर जिस प्राइस में मिले सोमवार को, और बेचना नहीं 10 साल तक, जब भी पैसा हो, जब भी गिरावट हो, उठाते रहना, उठाते रहना। SIP समझकर, म्यूचुअल फंड समझकर, और जिस तरह LIC 15 से 20 साल में करते हैं दोस्तों, वो 15 से 20 साल छोड़ दीजिए, 10 साल के लिए LIC समझकर और 10 साल का म्यूचुअल फंड समझकर, आप 10 साल का SIP समझकर उठाते रहना, उठाते रहना। सोमवार 8 अप्रैल 2024 याद आएंगे। और ये अब नहीं कहना दोस्त कि सर आपने बताया नहीं, बहुत ही सस्ता है, मिट्टी से भी सस्ता कचड़े के भाव में है ये स्टॉक। उसका नाम क्या है चलिए मैं जल्दी से बता दूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, सोमवार को मार्केट खुलते ही दबाकर, ये हेडिंग है हमारे, ये पोस्टर है, सोमवार को मार्केट खुलते ही जितना चाहो उतना उठा सकते हो, और जब भी गिरावट हो खरीदते रहना, खरीदते रहना, खरीदते रहना। जी 9920560932 ये भी नंबर याद कर लीजिए, #MBABKSingh, ठीक है। तो ये इस राम राज्य में पहला स्टॉक आप सभी को दे दिया, जिसकी जितनी क्षमता है, 5, 10, 20, 50, 100, 100, 1,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, जितना भी उठाना, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, बोल दिया 100% डंके की चोट पे, उठाते रहना, उठाते रहना, बेचना नहीं। और अगर ट्रेडर और ट्रेडिंग करने वाले हैं, FNO फ्यूचर इंट्राडे, तो उनको एक राय देता हूं दोस्तों, आप नहीं कमाएंगे जितना वो कमाएंगे जो MBA BK सिंह की बात आंख मूंद कर ध्यान देंगे। जितना भी बढ़ जाए और जितना भी गिर जाए, बेचना नहीं। अगर एवरेज निकालोगे 10 साल का, तो आपको मिलेंगे
याद आएंगे एमबीए बीके सिंह, कहा था बेचना नहीं, बेचना नहीं दोस्तों, एक भी शेयर मत बेचना, ये मेरी बात गांठ बांध लीजिए। उसका नाम है टेक इन्फोसेक लिमिटेड, टेक TAC, टेक इन्फोसिस नहीं इन्फोसेक, TAC टेक इन्फोसेक लिमिटेड, जितना भी प्राइस में हो छोड़ना नहीं दोस्तों। ये ईश्वर की कृपा है कि आपको ये स्टॉक मिल रहा है, और इतनी गारंटी के साथ कोई बोलने वाला इस स्टॉक के बारे में नहीं है, नहीं जानते तो जान लीजिए, जी हाँ। और ये भी जान लीजिए, ये भी जान लीजिए 70 लाख शेयर MBA बीके सिंह भी ले रहे हैं सोमवार को, 70 लाख शेयर MBA बीके सिंह ले रहे हैं टेक इन्फोसेक लिमिटेड। और मैं तो इकट्ठे ले लिया, ना तो मैं गिरावट में खरीदेंगे और ना हम ऊंचाई में खरीदेंगे, 10 साल के लिए हम इसको अपने तिजोरी में बंद करके रख दिए दोस्तों, टेक इन्फोसेक लिमिटेड, यस। और ये शेयर उसके कृपा से मिला है जो हम दो लाइन रोज़ रोज़ बोलते हैं आप लोग को, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा करहूँ सोबेगी दास में तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम मेरे हित में है। और ये जब भजन गाएंगे दो लाइन तो आप भी कहेंगे कि हमारे हित में, जब गाएंगे तो आपके अपने हित में होगा। तो ये ईश्वर की कृपा से टेक इन्फोसेक लिमिटेड हमने तो ले लिया। और ईश्वर भी कहते हैं करके छोड़ दे उनके नाम में, अब तू जानो कि 70 लाख शेयर MBA बीके सिंह ले लिए, अब क्या कराओगे तुम ही जानो। और इसमें देश का भी भला है, आपकी बैंकिंग सिस्टम का भी भला है, कोई हैकिंग नहीं कर सकेगा, कोई साइबर क्रिमिनल इस पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है, जिस तरह की असर पारे पे नहीं होता किसी चीज़ का, जी हाँ। और ये स्टॉक आपको मैंने बता दिया। चलिए इसके बाद मैं बता दूँ दोस्तों, सोमवार को दो चीज़ और होने वाला है शेयर बाज़ार में, रेलवे के स्टॉक, अगर आपके पास IRFC है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशंस, अगर आपके पास रेलवे के स्टॉक IRCTC है इंडियन रेलवे कंटेन टूरिज्म कॉरपोरेशन, और रेलवे का स्टॉक अगर आपके पास रेल विकास निगम लिमिटेड है, और अगर आपके पास रेल टेल में बहुत बड़ा होने वाला है खेल, तो इस स्टॉक पे भी नज़र आप ज़रूर रखिए। और हर गिरावट में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लेते रहना दोस्तों, और इरकॉन इंटरनेशनल का खेल जिस तरह भेल ने दिखाया खेल, उसी तरह अब दिखाने वाला है रियल टेल, और उसी तरह दिखाने वाला है गेल, और उसी तरह दिखाने वाला है सेल। और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कंपनी अगर आपके पास है, NBCC की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, आप सुन लीजिए अच्छी तरह। और आपके पास अगर है हुडको, जी हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, ये दोनों स्टॉक जो करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर के जो रियल एस्टेट हैं, उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। जो बेनिफिट 10,000 5,000 2,000 3,000 1,000 के शेयर नहीं देंगे, ये 250-300 के शेयर आपको बनाएंगे, कितना पैसा पड़ा ये हम जानते हैं, आप भी जान लीजिए। तो NBCC, हुडको, IRFC, इरकॉन,
RBNL, IRCTC, रेलटेल और रेल विकास निगम लिमिटेड। छोड़ना नहीं, अब खेल तो शुरू होगा। सरकारी बैंकों का क्या होगा, पिछला वीडियो अगर पहली बार आए दोस्तों तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, शाम का कल का, आपके स्पेशल हमने आपको बनाया है ये वीडियो। इंडियन, आप यूट्यूब पे जाइए और लिखिए वहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट का गुरु, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहला वीडियो ज़रूर देखिए, जो सबसे ऊपर वीडियो है उसको देखिए। आपको जो 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनका ये मैसेज है और ये मैसेज अच्छी तरह आप भी याद कर लीजिए। देश को विकसित और हम विकसित भारत के नागरिक बनने वाले हैं और बनेंगे तो कितनी खुशी होगी, कितना बड़ा गर्व होगा, उसके लिए एक वोट। सुबह जिस तरह बोलते हैं मार्केट खुलते हैं उठा लो टैक इन्फोसेक लिमिटेड, उसी तरह मैं बोलता हूँ, जिस जगह जहाँ पे जिस बूथ पे आपका वोट है दोस्तों, उस दिन सबसे पहले जाइए और देश के विकसित भारत के नागरिक बनने के लिए वो वोट लगा दीजिए। भूलना नहीं दोस्तों, वोट मारना आपका बहुत बड़ा अधिकार है और एक वोट आपको बनाएगा विकसित भारत का नागरिक। MBA BK सिंह तो सबसे पहला वोट मारने वाले हैं जी, और महाराष्ट्र में जिस बूथ पे हमारा है, सबसे पहले हमने आज ही सुपारी ले लिया है पहले वोट मारने की जी हाँ। और लक्ष्मी जी की बारिश कहाँ होती है, लक्ष्मी जी का आसन क्या है, आप लोग खुद जानते हैं। तो चलिए, कमल के फूल पे फूल लगा दीजिए, डंके की चोट पे 100% गारंटी के साथ। हम क्या, हमारी मर्जी, कोई बताए ना बताए, हम तो इसी तरह जानते हैं किस तरह बात करते हैं, तो वही मैं करने वाला हूँ। हम तो मारने वाले हैं, माँ लक्ष्मी जहाँ निवास करती है, जहाँ पे आसन उनका है, उनसे बड़ा दुनिया, इसलिए कि उनके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों। खान पान, कपड़े लत्ते, ऐसो आराम, गाड़ी घोड़ा, ये जो मिलने वाला है आपको, मैं जो ये भी स्टॉक की बात बता रहा हूँ, ये कहाँ से मिलेगा, किधर से आएगा, जब मोदी जी बैठेंगे तो हमारा शेयर बाजार भी, अर्थव्यवस्था भी और दुनिया की तीसरी शक्ति, आँख दिखाने की किसी की हिम्मत न थी भारत पे, न है और न रहेगा, ये तो आप निश्चिंत रहिए। तो छोड़ दीजिए सभी और आ जाइए नवरात्रि में, माँ को भी मना लीजिए, इसलिए कि जगत जननी जगदम्बा माँ आ रही हैं 9 तारीख की। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, माता रानी स्वस्थ रखे, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, ये सबसे पहले उनसे मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों के लिए, कि स्वस्थ रखें और मस्त रखें, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, बहुत बड़ा ये मंत्र है, हंसी और खुशी तभी मिलेगी जब आप हर में हरि का चित्रण रूप देखेंगे दोस्तों। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, रामनवमी की, इस राम राज्य में पहला रामनवमी और पहली नवरात्रि और पहला ईद उल फितर आप देखने वाले हैं, ये है राम राज्य। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, देख लीजिए किए कि नहीं, और ये वीडियो दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ये हमारा हाथ जोड़कर नमस्कार है दोस्तों, क्योंकि ये विकसित भारत बनने के लिए हमारा एक मैसेज भी है दोस्तों। जहाँ भी आप हैं, जिस जगह पे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपना धंधा कर रहे हो, जो भी आप समझ लीजिए, वहाँ पे आप देश के हित में ज़रूर एक काम हर दिन ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जाने के बाद लोग ये ज़रूर कहें कि हमारे भैया, हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे काका, हमारे चाचा, हमारे फूफा, हमारे मामा जी बहुत
बड़े काम करके गए जिससे हमें उन पे गर्व है। ये काम जरूर करना चाहिए, इसीलिए ईश्वर भेजा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू दोस्तों।